मोदी के भोपाल दौरे से पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान जीतू ने कहा कि बीजेपी पीएम मोदी को भगवान बताने में लगी हुई है। वहीं तन्खा ने कहा कि भाजपा संविधान में बदलाव करना चाहती है। देखिए खास रिपोर्ट। पीएम मोदी के भोपाल दौरे से पहले आक्रामक हुई कांग्रेस। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर बोला जुबानी हमला। बीजेपी के लोग पीएम मोदी को भगवान बताने में लगे हैं। विवेक तन्खा बोले 400 पार सीट लाकर संविधान बदलना चाहती है बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी के दौरे पर हैं। सागर हरदा में जनसभाओं को संबोधित करने के बाद शाम को पीएम भोपाल पहुंचकर रोड शो करेंगे। पीएम के मध्य प्रदेश दौरे के पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पटवारी ने पीएम मोदी से सवाल पूछे। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इसे केवल जनता चुनाव में वोट डालकर बचा सकती है। आखिर बीजेपी 400 पार का नारा इसीलिए लगा रही है क्योंकि बीजेपी संविधान में बदलाव करना चाहती है। संविधान की समय समय पे व्याख्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जिनको कहते हैं करते रहे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा भी आपको याद होगा, केशवानंद भारती के बाद 1973 में 30 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने थी। कुछ ऐसी मूल चीजें हैं संविधान में जो आप बदल नहीं सकते। हम रिपब्लिक हैं, हम प्रजातंत्र हैं, हम सेक्युलर हैं, हम सोशलिस्ट हैं और हमारे जो मूल गंतव्य है कि हम फ्रीडम ऑफ लिबर्टी एक्सप्रेशन लाइफ ये बात है। आज जितने फ्रीडम्स हैं सब थ्रेट पे, सबसे बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कितने लोगों का वीजा इसलिए कैंसिल हो जाता है क्योंकि आप क्रिटिकल बन गए। इंडिया मीन बीजेपी, इंडिया डजंट मीन इंडिया, इंडिया मीन बीजेपी। अगर आप बीजेपी के क्रिटिकल हो और आप पत्रकार हो अमेरिका में या यूके में या किसी विश में, आप इंडिया आओगे आपको या तो वीजा नहीं मिलेगा या आधे रास्ते में वीजा कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको वापस मिल दिया जाएगा। ये देश हमने न कल्पना की थी न कभी सोची थी। हमको बहुत परेशानी है कि अगर ये संविधान ही बचा तो मूल रूप से हम किस प्रकार के किस कैसा देश हो जाते हैं। हम नहीं चाहते जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज की जो हालत हुई वो हमारी हालत। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार अब माफिया बन गई है। मोदी जी के शासनकाल में 17 सरकारें गिराई गई, 500 से ज्यादा विधायक एवं कई सांसद इधर उधर हो गए। 75 साल के इस अमृत काल में 10 साल बाद जब मोदी जी का शासन हो गया, विकसित भारत की जब बात करते हैं, जब लोकतंत्र बचाने की बहस है, आरक्षण को बचाने की बहस है, बाबा साहब अंबेडकर के विचार को जीने की जिए या न जिए इसकी बहस है, मीडिया के फ्रीडम की, मीडिया के पहरे की, मीडिया को गोदी मीडिया मोदी मीडिया से उपाधि देने दी जाने लगी इसकी बहस है, वोट के अधिकार की बहस है। देश में 17 सरकारें मोदी जी के 10 साल में गिराई गई, 500 से ज्यादा विधायक खरीद फरोख्त हुए या दल बदल हुए, 200 से ज्यादा सांसद दल बदल हुए या खरीद फरोख्त हुए, मतलब लोकतंत्र की मूल भावना की भी रक्षा की बहस है। सरकारी माफिया, हर तरह के माफियाओं के नाम सुना था आपने, एक शराब माफिया है, भू माफिया है, एक शिक्षा माफिया है, कई तरह के माफिया उनके बाद एक सरकारी माफिया काम करता है जो जिसका काम सिर्फ विपक्ष के नेताओं को अपने दल में ले जाना, वो चाहे किसी भी रूप में कितना भी करप्ट और क्राइम करने वाला व्यक्ति क्यों नहीं है, अगर वो विपक्ष में है तो सरकारी माफिया का काम है कि वो उसको अपने दल में भर्ती कराए।
इतना ही नहीं, पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आज रोड शो कर रहे हैं, इसीलिए अब वे शोमैन हो गए हैं। भाजपा कहती है कि वे भगवान के अवतार हैं, मुख्यमंत्री ने उन्हें बजरंग बली का अवतार बनाया है। साथियों, आज मोदी जी का रोड शो है। रोड शो, मोदी ओरिजिनल में शोमैन, शोमैन, मोदी शोमैन का रोड शो। जब वो शो करते हैं तो फिर वापस मीडिया से भी बात नहीं करते, जनता से भी बात नहीं करते, सिर्फ दिखते हैं ईश्वर जैसे। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कल कहा वो तो बजरंग बली का अवतार है, हमारे शिवराज जी ने कहा भगवान का अवतार। बीजेपी के लोग उनको भगवान बनाने पे तुले हैं। भगवान मोदी भगवान से सवाल है कुछ, क्योंकि कल ही बजरंग बली का अवतार, बजरंग बली की जयंती पे हमारे मुख्यमंत्री, पर्ची वाले मुख्यमंत्री ने कहा। तो भगवान के अवतार, तीन बार आपसे हमने पूछा कि तीन बार आप मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश की जनता के सवाल है उनके उत्तर दो। भगवान के शोमैन नरेंद्र मोदी भगवान जैसे, उनसे मेरा अनुरोध है कि 1,29,00,000 लाडली बहनाएं थी जिनको आपने 1,000 रुपया चुनाव से पहले कहा था, चुनाव के बाद 3,000 रुपये देंगे, ये मोदी गारंटी थी। आज तक वो काम चालू नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी भगवान बताओ, ये आशीर्वाद कब दोगे इन बहनों पे? आप उन्हीं बहनों को आपने कहा था कि आवास योजना से भी आपको जोड़ेंगे, आपको उज्ज्वला के 450 के गैस सिलेंडर से भी जोड़ेंगे। तीनों ईश्वर जैसे नरेंद्र मोदी, जरा ये आशीर्वाद इन बहनों पे कब आएगा बताओ, मध्य प्रदेश की बहनें पूछना चाहती हैं। कुल मिलाकर पीएम के दौरे से पहले कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर जमकर बीजेपी सरकार को घेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।